हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। जैसे कि प्यारे दोस्तों, और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए, हो गई है सुबह और सुबह सुबह मैं लग गई हूँ सबसे पहले आज प्रिंसी को नाश्ता बनाने में। तो यहाँ पे ना आज प्रिंसी को मन था सैंडविच खाने का, तो बस जल्दी जल्दी से मैं आलू उबलने के लिए रख दी थी और प्रिंसी को बना दे रही थी सैंडविच ना, तो आलू बहुत ज़्यादा गर्म थी। लेकिन हम लोग देसी लोग हैं तो बिना हाथ लगाए तो हम लोग से काम होता नहीं है। चम्मच तो बस एक बहाना रहता, लेकिन बिना हाथ के ना हम लोग से काम नहीं। तो भले गर्म था लेकिन मैं हाथ से ही करी। और उसके बाद ये आलू ना थोड़ा सा मैं मसाला डाल के फ्राई कर ली थी, थोड़ा सा इसमें मटर डाल दी थी, बस हल्दी नमक और थोड़ा सा सब्जी मसाला डाल के आलू फ्राई कर दी थी। और बस इसी तरह से देखिए भर के फटफट मैं प्रिंसी के लिए बना रही थी सैंडविच। और अभी आज प्रिंसी का बाल भी नहीं बनाई हूँ ना, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा मतलब लेट हो जाता है, तो बस ना बहुत जल्दी आ जाती है। और बहुत पूरी ठंडी, बहुत सोई और बहुत आराम कर ली पूरी ठंडी, और अब पूरा वही आराम निकल रहा है, क्योंकि अब ऐसे ही बस आया करेगी जल्दी जल्दी। अब तो उस समय अभी ना एक महीने के बाद से तो एकदम 6 ही बजे बस आने लगेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं जल्दी से बस प्रिंसी के लिए बनाई थी, मैं सोची पहले उसे सेक के उसका टिफिन लगा दूँ और प्रिंसी को नाश्ता दे दूँ, तब फिर मैं प्रिंसी का फट से बाल बनाऊँ। और सुबह सुबह का ना भागम भाग सबसे ज़्यादा होता है, दिन भर तो उतना नहीं रहता जितना सुबह का होता है। और कहो कि अभी बस मुझे प्रिंसी का ही टिफिन देना, अब तो सिवांश का झंझट मुझे नहीं है। तो यहाँ पर नहीं, मेरे पास सिल्वर पेपर रखा था, क्या इसको कहते, सिल्वर फॉयल जो भी कहते मुझे नहीं पता। ये जब मेरे बर्थडे वाले दिन वो बर्गर ले आए थे ना, तो मैं इसे साफ ही ऐसे रख दी थी, मैं सोची थी किसी काम में आएगा। तो इसी में देखिए मैं प्रिंसी को सैंडविच लपेट के दे दी थी, और प्रिंसी के लिए भी देखिए एक नाश्ता लेके जा थी प्लेट में। और उसके बाद फिर मैं अभी चाय नहीं पी थी अपनी, तो मैं अभी चाय पीने लगी थी। और चलो प्रिंसी का बना दूंगी फट से बाल। और देखिए उसके बाद फिर प्रिंसी स्कूल चली गई थी, क्योंकि बाल बनाते भर में बस आ गई थी। खैर बाल वाल उसका पूरा कंप्लीट हो गया था, अच्छे से तैयार भी हो गई थी, और प्रिंसी की बस आ गई थी। तो उसके बाद प्रिंसी जब चली गई तो देखिए मैं आ गई थी किचन में और लग गई हूँ अब किचन क्लीनिंग में, क्योंकि किचन क्लीनिंग में भी काफ़ी समय लग जाता है। और यहाँ पर देखिए समोसा वमोसा था, कल रात में हमारे बगल में मतलब एक भाभी हैं तो उनके यहाँ शादी की सालगिरह थी ना, तो समोसा आ गया था, मतलब करीब 10-10 समोसा थे, लड्डू थे, सब आ गए, तो सब वही खा लिए थे ना, तो खाना बच गया था जो सब्जी उब्जी थी, तो बस वही सब मैं खाली कर रही थी। और यहाँ पे आज दे दी थी इनको इंडक्शन बनाने के लिए, तो वे लेते जो गए थे इंडक्शन, तो यहाँ पे बाकी देखिए मैं अपना सब जो झाड़ फूक वाला सब काम होता है ना, तो बस सब वही कर रही थी। क्योंकि ना हल्का रोज़ रोज अगर हल्का सा झट मतलब कपड़ा लगा दूँ ना रैंक वंक में, तो मतलब अच्छा से साफ हो जाता है। और यहाँ पर ये जो मेरे पास रैंक है जिसमें मैं सारा डब्बा उब्बा रखती हूँ ना, तो एक सब्सक्राइबर थी तो पूछी थी, हो गया मेरे ख्याल से शायद कल वाले ब्लॉक में कि परसों वाले ब्लॉक में पूछी थी कि दीदी आप ये रैंक कितने का ली थी। तो देखिए ये रैंक ना हम लोग जब पुराने घर थे तभी का ही लिया हुआ है, करीब मेरे ख्याल से जिस साल प्रिंसी हुई थी यानी कि 2012 में, तब ये रैंक मैं ली थी। और उस समय क्या है ना, हमारे पुराने घर में एक भी अलमारी नहीं थी कपड़ा उपड़ा रखने के लिए, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, और सबसे ज़्यादा करके ना मेरा जो कमरा था, तो मेरे कमरा में ना तो एक भी मतलब खिड़की थी, एकदम अंधेरा रहता था, ना एक भी अलमारी, मतलब मुझे पुराना कमरा मिला था, तो बस बहुत दिक्कत हो जाती थी कपड़ा उपड़ा रखने के लिए। फिर ना यही रैंक ले आए थे, और करीब ये रैंक मेरे ख्याल से उस समय 700 या 750 का पड़ा था, और अब का तो मुझे नहीं पता। तो बस बहुत पुराना रैंक है, ये कहो कि एकदम अच्छे से मैं रखे रहती हूँ, कि इसे जैसे ना 3-4 साल पे एक बार कलर वलर हो जाता है, तो एकदम नया हो जाता है रैंक। तो उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे फिर मैं आ गई थी अपने कमरा में, किचन का पूरा करने के बाद फिर आ गई थी कमरे में। तो यहाँ का भी बिस्तर उस्तर सब झटक ली थी, और बिस्तर झटक में फिर देखिए मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। और जो ये वाला कमरा है ना, तो इसे कल शाम को ही मम्मी अच्छे से साफ कर दी थी, मतलब जो भी थोड़ा बहुत मैं सिलाई का वीडियो बनाती हूँ ना शाम को, तो मैं भी ऐसे थोड़ा बहुत, तो भाई देखिए कपड़ा का कतरन गिरी ज़्यादा, तो बस मम्मी कल अच्छे से सब झटक उटक के वहाँ का जो कपड़ा फोल्ड करना था सब कर दी थी। तो यहाँ पे देखिए मैं लगा ली थी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं चलूँगी बाकी के काम कर लूँगी घर के। और ना दोस्तों इस समय हवा तो एकदम सच में कहना नहीं चाहिए, इतनी ज़्यादा शीतलहर चल रही है ना कि आप सबसे मैं क्या बताऊँ। तो सब जगह की झाड़ू लगाने के बाद ना आज दोस्तों मैं लगा रही हूँ पोछा, आज करीब मैं 1-1.5 महीने बाद पोछा लगा रही हूँ।
क्योंकि ना धूप हवा ना मतलब हवा थी लेकिन ना जो है ना जमीन बहुत जल्दी सूख जाए, तो मम्मी कहें कि जमीन सूख जाए, एक मन किया कि नहीं सूखे, फिर मैं सोची कि चलो लगा देती हूँ पोछा। तो आज मैं बहुत दिन के बाद पोछा लगाया, पोछा लगाने के बाद सच में दोस्तों, खैर साफ तो वैसे भी रहता था मेरा घर, लेकिन पोछा लगाने के बाद ना और ज़्यादा साफ हो गया था। और ये जो मेरा पोछा है ना बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, अब इसे भी मुझे बदलना है। देखिए जब भी बदलूंगी लेकिन आप लोग को जरूर दिखाऊँ, क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर पूछते हैं कि दीदी आप ये पोछा कैसे बनाए थे, तो इसे आप लोग को मैं जरूर दिखाऊंगी। तो इसका सारा काम उम करने के बाद फिर देखिए मैं आ गई थी मंदिर पे, और अरे मंदिर मतलब अपने घर की मंदिर पर, यहाँ पे सबसे पहले अब चल रही मैं कान्हा जी को नहलाऊंगी, और कान्हा जी का पानी ना मैं थोड़ा ठंडा अरे गर्म करती हूँ ताकि उन्हें ठंड ना लगे, और थोड़ा सा गंगा जल मिला लेती हूँ, जितनी श्रद्धा उतनी भक्ति, क्योंकि देखिए मेरे पास जो है बस मैं उसी में खुश हूँ, और कान्हा जी को भी अपने खुश रखने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब कान्हा जी को मैं वस्त्र पहना के उनका पूरा श्रृंगार कर दूंगी, जो भी उनका होता है, उनकी कान की बाली है, हाथ का, मतलब सब पहना दूंगी, उसके बाद करूंगी पूजा। और ना अब ऐसा लगता ना कि हाँ मतलब पहले तो बहुत डर लग रहा था कि मैं कैसे करूँगी कैसे नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे ना जब से कान्हा जी को ले आई हूँ ना, मतलब रखी हूँ मंदिर में, अब सब अपने आप एक टाइम से जैसे एक रूटीन सा बन जाता है। लेकिन सच में ना बहुत ज़्यादा मैं डर रही थी कि मैं कैसे करूँगी, कैसे उनको भोग लगाऊंगी, कैसे नहलाऊंगी, कैसे सब क्या करूँगी, लेकिन अब सब एकदम अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कान्हा जी को मैं नहला धुला के और उन्हें वस्त्र पहना के उन्हें बैठा दी हूँ सिंहासन पे, उसके बाद फिर मैं कर ले रही हूँ पूजा, और पूजा वूजा करने के बाद फिर चलूँगी मैं खाना की तैयारी करूँगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता है मुझे, तो अकेले पड़ जाती ना इतना बड़ा घर, झाड़ू पोछा बर्तन, भाई देखिए काम तो बहुत रहा, जो काम उठाऊंगी बस मैं ही करती हूँ, मम्मी से देखिए मैं उतना नहीं, हाँ थोड़ा बहुत मम्मी भी करती हैं, लेकिन ना मम्मी जो सुबह ही थोड़ा बहुत हेल्प करती हैं, वो हेल्प क्या मतलब बस वो आगे वाला कमरा का अपना देख लेती हैं, और उसके बाद फिर देखिए मम्मी ना अब देख उनकी भी उम्र हो गई, मैं खैर उनसे काम नहीं करवाती लेकिन वो अपने मन से करती, तो मैं अभी सोचती हूँ चलो ठीक है अगर अपने से चल फिर रही ना तो काफ़ी अच्छी बात है। तो फिर यहाँ पे देखिए मैं पूजा वूजा सब कर ली थी, और पूजा वूजा करके अब मैं चलूँगी मंदिर पर किचन में। और यहाँ पे ना फिर मैं आ गई थी किचन में, और एक तरफ रख दी हूँ चाय, और एक तरफ रख दी हूँ कान्हा जी के लिए खीर बनने के लिए, और इतना बड़ा भगोना आप लोग सोचते होगे ना तो इसमें पूरी मलाई लगी थी, पूरा एकदम दूध रहता है ना, तो फिर मैं कही चलो इसी में खीर बना दूँगी तो ज़्यादा अच्छी खीर, मलाई पूरा रहती है ना तो खीर ज़्यादा अच्छी बनती है। तो बस देखिए सबसे पहले मैं कान्हा जी के लिए चाय छान दी, उसके बाद फिर मम्मी के लिए, अपने लिए और शिवांश के लिए भी चाय छान दूँगी। सबसे पहले चलूँगी मैं कान्हा जी को पिला दूँगी चाय थोड़ी सी, और उसके बाद फिर हम लोग भी पियेंगे, जब तक कान्हा जी की खीर भी बन गई और ठंडा हो रहा था। तो कान्हा जी को खिलाने पिलाने के बाद फिर देखिए यहाँ पे कपड़ा भी सब धुल गया था, मैं सोची चलो कपड़ा छत पे डाल आऊँ, तो यहाँ पे देखिए हवा आप लोग देख रहे हैं ना कितनी तेज हवा चल रही है, हवा ना दोस्तों सच में बहुत तेज चली, और अभी इतना कपड़ा सब डाली हूँ ना दोपहर तक होते होते सारा कपड़ा पूरा गिर जाता है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी भी नहा धो चुकी थी और मम्मी जा रही थी अब पूजा करने, तो उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं पालक की रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटी बनती है। यहाँ पे देखिए पालक काट ली हूँ, और ना बेसन है, और यहाँ पे देखिए टमाटर है, प्याज है, और हरी मिर्च है, लहसुन है। तो आज दोपहर में तो कोई ब्लॉग नहीं बनाई थी, क्योंकि आज ना शिवांश का फेयरवेल पार्टी था तो मोबाइल लेके चला गया था, तो फिर मैं दोपहर में कोई ब्लॉग नहीं बनाई थी, तो शाम में आज कुछ समझ में नहीं आया था, तो ढेर सारा पालक रखा था, तो मैं सोची चलो इसी का चटपटा सा रेसिपी बनाती हूँ और आप लोगों के भी साथ शेयर करती। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले पालक ले रही हूँ, और जब कभी कुछ समझ में नहीं आता ना तो ऐसे कुछ ना कुछ दिमाग लगाने पड़ता है। और दोस्तों आज ना ये पालक रखा था बहुत दिन से, दो तीन दिन से पालक रखा हुआ था, मैं सोची चलो इसकी कोई रेसिपी बनाती हूँ। तो आज देखिए पालक ले ली हूँ, और पालक को मैं अच्छे से धुल के फिर इसमें देखिए बेसन, अरे बेसन कर रही हूँ, नमक, हल्दी, जीरा और थोड़ा सा सब्जी जो मसाला होता है वो मिला के फिर इसमें मैं बेसन डाल के मिला दे रही थी। तब तक देखिए मम्मी भी आ गई थी पुराने घर से, तो मम्मी ले आई थी प्रसाद प्रयागराज का, कोई गया था नहाने ना पुराने घर, तो प्रयागराज का प्रसाद दिए थे, बस मम्मी वो ले आई थी। यहाँ पे देखिए प्रिंसी आप लोग को प्रसाद दे रही थी खाने के लिए कि आप लोग भी खा लीजिए प्रसाद। तब तक यहाँ पे देखिए मैं इसमें खूब अच्छे से बेसन मिला दी थी, मैं पानी बिल्कुल भी नहीं डाली थी इसमें, क्योंकि ना पालक जब नमक डालने में ना खुद ही इतना पानी छोड़ देता कि मुझे पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाई थी। और मैं बनाने जा रही हूँ आज पालक का सकोड़ा,
जो कि बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत अच्छी भी आती है। तो यहाँ पे मैं देखिए चॉपर में ना प्याज लहसुन अदरक और हरी मिर्च को चॉप कर लूँगी, जब तक मेरा तेल गर्म होगा ना तब तक मैं इसे चॉप कर लूँगी। और ये चॉपर ना दोस्तों सच में मेरा बहुत अच्छा चॉपर है, करीब मेरे पास धीरे धीरे 2 साल होने चला है, लेकिन ना इतना अच्छा है ना, ये जब से आया मेरा मिक्सर कम यूज होता है। तो फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से गोल गोल करके मैं इसमें डाल दे रही हूँ गरम तेल में। और ये तेल ना मैं सरसों का आज ली, आज मैं रिफाइंड में नहीं तल रही हूँ, सरसों में ना इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस इसे देखिए तल के, और ये दोस्तों आप लोग भी रेसिपी ना बना के ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि बहुत अच्छी रेसिपी और बहुत ही टेस्टी भी रेसिपी है। और दोस्तों एक मेरी बहुत ही अच्छी सी सब्सक्राइबर है, उनका नाम है आईडी पे उनका है कविता पाल, और उनका रियल नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन आईडी पे मैं उनके कविता पाल देखी हूँ। तो पूछ कहीं कि दीदी आपका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपका वीडियो में कोई भी बनावटी नहीं होता है, और आप अपना पहला ब्लॉग कैसे बनाए थे इसके बारे में ज़रूर बताना। तो जी सिस्टर ज़रूर बताऊँगी इसके बारे में, चलिए इसके बारे में एक ही दो दिन में इसके बारे में अच्छे से वीडियो बना के पूरा आप लोग को अच्छे से बताऊंगी कि कैसे मैं पहला ब्लॉग बनाई थी। और शर्म तो मुझे सच में बहुत आ रही थी, लेकिन पूरा चलिए मैं आप लोग से बताऊंगी, और आपसे खासकर, और आपका ब्लाउज के लिए भी है। तो ब्लाउज बस सिस्टर जैसे इतना दिन बस 2-4 दिन और इंतज़ार कर ली, तो मैं आप लोग को ब्लाउज भी बताऊँगी कि कैसे मैं डीप गला एकदम अच्छे से बनाती हूँ। तो उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे ना मैं एक बार का पकौड़ी पूरा निकाल दी थी पालक की, और पकौड़ी निकाली थी ना तो बच्चे से ऐसे ही खा लिए थे, मैं ज़्यादा पालक तो नहीं काटी थी। और उसके बाद अभी आप लोग इतना देख रहे हैं ना, जब सब्जी बनाने चलूँगी तो बस 2 ही 4 बचा रहेगा। तो उसके बाद जब तक यहाँ पर मैं देखिए रख दी हूँ चावल, और चावल रखने के बाद ना फिर जितना गर्म तेल है पूरा निकाल दूँ, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा है, इतने तेल में तो बनाऊँगी नहीं सब्जी। और दोस्तों ये इतना टेस्टी बना था ना, सच कह रही ना, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बना था, मतलब ये मतलब अपनी लाइफ में पहली बार इसे बनाई थी, क्योंकि बहुत बार कहते थे सकोड़ा सकोड़ा पालक का सकोड़ा, तो मुझे भी लगा कि चलो एक बार मैं भी बना के ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो भी चॉप करी थी मैं अदरक लहसुन प्याज लहसुन ये सबको डाल दी थी, थोड़ा सा जीरा डाल के, जब अच्छे से गोल्डन हो गया था ना मैं टमाटर करीब 4 टमाटर ले ली थी और इसे भी चॉप कर दी थी। और टमाटर में ही ना देखिए मैं जो मसाला पूरा बना के रखी थी, इस मसाला में जैसे हल्दी था, धनिया पाउडर था, और सब्जी मसाला, और एक थोड़ा गरम मसाला ले ली थी। और उसके बाद फिर इसी में मैं डाल दी थी नमक और इसे खूब अच्छे से मैं फ्राई कर ले रही थी। तो यहाँ पे आप लोग को मैं दिखाई ना कितना सा बचा था, तो देखिए इसे मैं अच्छे से करके इसे एकदम मीडियम आंच करके ढक दूंगी ताकि अच्छे से तेल छोड़ देगा। और इसी में ना मैं देखिए बस 1 चम्मच बेसन था, तो बेसन को मैं घोल के और इसी में डाल दी थी ताकि इसकी ग्रेवी ना थोड़ी गाढ़ी बन जाए। तो बस इसे करने के बाद, और फिर ये देखिए अच्छे से एकदम से तेल छोड़ दिया था। अब इसमें मैं डालूंगी पानी, अब पानी इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा डालूंगी, आप लोग को कई बार बताया ना कि मेरे यहाँ थोड़ा जूस वाली सब्ज़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए देखिए इसमें मैं इतना पानी डाल दी। और ये ना जब इसमें मैं पालक की पकौड़ी डालूंगी तो काफ़ी पानी सोख भी लेगा, तो इतना डाल दी थी। और जब इसमें एकदम अच्छे से उबाल देखिए आ गए थे, तो इसमें मैं सारा पकौड़ी डाल दी। तो आप लोग गिनती कर लेना कितनी पकौड़ी बची, मैं बनाई कितनी थी, बची कितनी है। तो बस यहाँ पे देखिए, और एक शिवांश फिर से लास्ट में मांगने लगा था, तो मैं कही चलो अच्छा एक फिर ले दे दूँ, अब बच्चे हैं मांग रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा बन गया था अच्छे से खूब, और इसकी महक और बहुत अच्छी बनी थी, भी आप लोग खुद देखोगे कितनी टेस्टी बनी थी। तो ये देखिए इसे पलट दी हूँ मैं, क्योंकि लोहे की कढ़ाई से ना तुरंत पलट तो सही रहता। फिर इसमें मैं ऊपर से डाल दी थी धनिया पत्ती, और ये देखिए टेस्टी, ये देखिए कितनी ग्रेवी और कितनी मतलब कितनी टेस्टी ये बनी है पालक का सकोड़ा। और आइए दोस्तों आप लोग भी गरम गरम पालक का सकोड़ा चावल और रोटी खा लीजिए। खैर ये तो एक मतलब चाट माना जाता है, एक इसे ना जिसे नाश्ता में बहुत से शादी ब्याह में इसे यूज किया जाता है। लीजिए दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए सकोड़ा, इसको सकोड़ा कहते हैं पालक का, और बहुत ज्यादा टेस्टी बना है। तो चलिए मैं इनको सबको खाना दे दूं ना, क्योंकि काफी भूख लगी है सबको, चलो खुशी। और आप लोग भी खा के बताइए कैसे बना है सकोड़ा। अभी चावल नहीं निकाली, अभी चावल कुकर में है, पहले रोटी खा रहे हैं उसके बाद चावल निकाल रहे हैं। मंगोड़ा कहते हैं ना, सकोड़ा मंगोड़ा नहीं सकोड़ा। और दोस्तों खाना देने की जल्दी में हमेशा इसलिए रहती हूँ ना, क्योंकि इनसे भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, और आज दिन में भी खाना नहीं खाए थे, तो बस इसलिए जल्दी से सबसे पहले मैं इन्हीं को खाना दे दी थी। और इन्हें खाना देने के बाद ना उसके बाद फिर मैं देखिए बाकी का रोटी सेक ले रही थी, और प्रिंसी तब तक दादी के लिए, शिवांश के लिए और अपने लिए खाना निकाल ले रही, तब तक मैं रोटी सेक लूँगी। और यहाँ पर देखिए मेरा इंडक्शन भी बन के आ गया था, लेकिन दोस्तों एक इसमें कमी आ गई ना, इसका तार छोटा हो गया है, तो इसलिए जो वॉशिंग मशीन वाला बोर्ड है ना, तो यहाँ पे देखिए मैं लगा के और उसी पे सेट करके लगा दी थी, लेकिन इसका
तारी ना एकदम छोटा हो गया। अब देखो इसका कैसे जुगाड़ करती हूँ। तो फिर यहाँ पे देखिए, हम फटफट सेक ली थी रोटी और प्रिंसी, तब तक सबको खाना भी दिए जाए थे। प्रिंसी की बहुत हेल्प हो जाती है मुझे, तो बस यहाँ पे देखिए सब खाना वाना दे के, और फिर मैं अभी चलूँगी इनको सबको बाकी का। प्रिंसी से मैं कही कि जाओ तुम भी खा लो। तो यहाँ पे देखिए मैं जाई थी इनको सबको रोटी देने, और उसके बाद चलिए दोस्तों अब आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को पालक सकोड़ा की रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे देखिए इनको सबको मैं खाना, मैं सोची ना यहाँ का वॉइस रखूँ, लेकिन ना वो टीवी चालू थी CIDR, तो इसलिए यहाँ का वॉइस मैं बंद कर दी। तो टीवी की आवाज़ से डर लगता है ना कि चैनल पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो बस यहाँ पे देखिए इनको सबको मैं दे दी थी खाना, ये सब खाए तो सबको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा था। तो चलिए अब आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और ज़रूर करना कमेंट आप लोग की रेसिपी कैसी लगी। आप सबको बाय बाय।